और 12 मार्च को कहती है कि सबको नौकरी पक्की, तब बाद में कच्ची कैसे होता है? सारे एसटीटी अभ्यर्थियों को नौकरी दो, सारे एसटीटी अभ्यर्थियों को नौकरी दो, हम लोगों को सर्टिफिकेट बहुत जल्द चाहिए और ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति हर हाल में चाहिए, हर हाल में। आप सर, आप पे इतना जोर दिए हुए हैं, आप शिक्षा पे जोर दीजिए सर, आप खुद पर खुद खत्म हो जाएगी। अच्छा। लोग शिक्षित होंगे, शराब नहीं पिएंगे। तो वो डायरेक्ट बोल दे कि हम बिहार में युवाओं को एक भी नौकरी नहीं देंगे। बिहार युवाओं के लिए है ही नहीं, बिहार सिर्फ राजनीति के लिए है। यहाँ पर किसी को कोई रोजगार मिलने वाला नहीं, आप कितना भी पढ़ लो। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास में हैं और यहाँ पर फिर से स्टूडेंट जो हैं सड़क पर उतरे हैं, एसटीईटी के स्टूडेंट जो हैं अभ्यर्थी जो सड़क पर उतरे हैं, उनसे कुछ बात करेंगे कि उनके प्रमुख मांगे क्या है। और सर 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 तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। अच्छा, क्या आप किस वजह से आप सड़क पर उतरे? सर आज नहीं, लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं 2019 से, लेकिन अभी तक की सरकार अनसुनी कर दी है हमारी मांगों को, एसटीईटी अभ्यर्थी की मांगों को अनसुनी कर दी है। हम लोगों को पहला मांग है 2019 से अभी तक 3 बरस हो गए, 19, 20, 21, 22 आने वाला है, सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है और 12 मार्च को कहती है कि सबको नौकरी पक्की, तब बाद में कच्ची कैसे होता है? सारे एसटीईटी अभ्यर्थियों को नौकरी दो, सारे एसटीईटी अभ्यर्थियों को नौकरी दो हर हाल में। और आपके पास बजट में हम लोग को तीसरा मांग है कि बजट में हम लोग के लिए राशि आवंटित करे, बजट में राशि आवंटित करे। ये 3 मांग लेके उतरे हुए हैं हम लोग और जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली शुरू करें। अच्छा, सरकार से बात हुई आप लोगों की कुछ, तो क्या बातें निकल के आए सरकार के लोगों का, क्या कहना है? सरकार गोल गोल लड्डू घुमाना चाहती है। अच्छा। जो गोल गोल है ना रवैया, हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा विभाग से मिले तो बोलती है कि बी एस सी बी सर्टिफिकेट देगी। तो बी एस सी बी सर्टिफिकेट देगी किस चीज का सर्टिफिकेट? एसटीईटी 19 का सर्टिफिकेट 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था। अच्छा। सोचिए कि कोई भी एग्जाम का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का, इंटर का एग्जाम लेती है बीएससी, तो 3 साल नहीं देती है सर्टिफिकेट। भैया सोच के देखिए, आप महोदय आप सोच के देखिए, हम लोगों को सर्टिफिकेट बहुत जल्द चाहिए और ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति हर हाल में चाहिए, हर हाल में। जितना तुम ऑलरेडी हम लोगों को रिजल्ट के बराबर रिक्ति चाहिए और सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग को मिलेगी नहीं इंसाफ, जब तक उठेंगे नहीं, चाहे हम लोग को सबको जेल क्यों ना जाना पड़े, सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे जेल जाने के लिए तैयार है और इनका सीधे सीधे कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम नहीं उठेंगे, क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट है, सरकार के लोगों का कहना है कि बीएससीबी पहले प्रोवाइड करेगी, इशू करेगी, उसके बाद हम नौकरी देंगे। और इनकी जो नौकरी है सर्टिफिकेट की वजह से अटकी हुई है। मैडम कहाँ से आए आप? जी सर, वैशाली जिला से हम आए सर। वैशाली जिला से? जी अच्छा। जी सर, क्या कहेंगे सरकार के लोगों को? हमको आज सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन जारी हो और सर्टिफिकेट मिले, जब तक ले सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, लिखित नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। जी अच्छा, हाथ पे काली पट्टी सब लोग बांध रहे हो, इसका क्या मतलब? सर काली पट्टी हम लोग विरोध कर रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हम लोग का सर्टिफिकेट अटका के रखा हुआ है। कोई भी एग्जाम होता है, सीटेट का एग्जाम होता है, 1 सप्ताह में सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। यहाँ लगभग मार्च में रिजल्ट हम लोग का आया, 1 साल लगभग होने जा रहा है, अभी तक हम लोग को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, कब सर्टिफिकेट मिलेगा सर? सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन आज लिखित मिले हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। मैडम आप लोग कब तक सड़क पर रहेंगे? जब तक शिक्षा मंत्री गोहल नहीं आए हैं। यानी कि हटना नहीं है? नहीं, नहीं हटना। सरकार को झुका के रहना। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग एक ही मनसा बनाए हुए हैं कि जब तक सरकार झुक नहीं जाती है, सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है, तब तक हम सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पूरे तरह से हाईजैक कर लिया गया, एक प्रकार के पूरी तरह से यहाँ पे छात्र जो है कब्जा कर लिए हैं। और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार कई छात्र संगठन और कई बहाली के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर रहते हैं और किसी की बात नहीं मानी जाती है। सरकार अभी लगातार शराब पर समीक्षा करने में व्यस्त है और चुनाव में व्यस्त है। चुनाव पे तो चर्चा करती है, शराब पे समीक्षा करती है,
पर छात्रों की बात नहीं मानती है, कुछ और लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? रमन राज सर। कहाँ से आए आप? सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान से? जी सर। अच्छा आप इतने टाइम से लगभग 2019 से परेशान हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वैकेंसी सर निकाल नहीं रहे हैं, और शाम से निकाले थी तो एग्जाम लेकर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। सर्टिफिकेट देगी हम लोगों को, वैकेंसी देगी, उसके बाद हम लोग भरेंगे, उसके बाद निकलेंगे ना। मैं नीतीश कुमार सरकार से यही कहना चाहता हूँ, आप सर आप पे इतना जोर दिए हुए हैं, आप शिक्षा पे जोर दीजिए, शराब खुद पर खुद खत्म हो जाएगी। अच्छा। लोग शिक्षित होंगे, शराब नहीं पियेंगे। हम लोग इतने पास करके बैठे हुए हैं, हम लोगों को तो आपको दे ही देना चाहिए था जॉब। आपके जितने भी आपने शर्त लगाए सबको हम लोगों ने पास करके आया। एक बार एग्जाम हुआ ऑन कोरोना काल में, वो फेल हुआ, फिर हम लोग दूसरी बार एग्जाम दिए, उसमें हम लोग ऑन कोरोना काल में मतलब समझिए जान पे खेल कर गए एग्जाम देने, इसके बाद पास होकर आए हैं। और फिर ये नया नया रोज़ नौटंकी जो होता है सर का, ये क्या है? या तो वो डायरेक्ट बोल दे कि हम बिहार में युवाओं को एक भी नौकरी नहीं देंगे। बिहार युवाओं के लिए है ही नहीं, बिहार सिर्फ राजनीति के लिए है। यहाँ पर किसी को कोई रोज़गार मिलने वाला नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, आप कुछ भी पास कर लो, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग अपने राज्य को छोड़ कर दूसरे राज्य में जाओ, वहाँ जो करना है कुली कबाड़ी का काम वही कीजिए। आप लोग शिक्षा से सामाजिक रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार ऑन द स्पीच ये दे दें आकर मीडिया वाइट। अच्छा सरकार ये कह रही थी कि हम लगातार रोजगार को लेकर के नए नए रणनीति बना रहे हैं, और जो भी लोग हैं गांव में अनाउंसमेंट करवाएंगे माइक से रोजगार के लिए, क्या आपके गांव में अनाउंसमेंट हुआ माइक से? कुछ नहीं हुआ सर, वो तो देख रहे हैं ना, यदि सरकार रोजगार देती तो हम लोग यहाँ क्यों आते इतने दूर चल कर? सुबह ठंडा में कपकपाती ठंडा में हम लोग आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ जितने बच्चे आए हुए हैं ना, सब या तो किसान के हैं, फौजी के हैं, स्टेट पुलिस के हैं, कोई नेता का बच्चा यहाँ नहीं आया हुआ है। आप किसी से इंक्वायरी कर लीजिए, ना कोई एमपी का बच्चा है, ना कोई एमएलए का बच्चा है, यहाँ जो भी बच्चा है सब किसान का है, फौजी का है, बिहार पुलिस का है, लेकिन कोई यहाँ राजनीतिक का बच्चा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि कोई राजनीतिक का बच्चा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर लगातार सरकार ये दावे कर रही थी कि हम माइक से अनाउंस कर करके रोजगार मुहैया कराएंगे बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, पर वास्तविकता ये है कि बिहार में सरकार सिर्फ शराब पर समीक्षा करने में व्यस्त है, और भी कई मामले में व्यस्त है। लगातार जो है सरकार चुनाव में भी व्यस्त है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पे लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के काली पट्टी अपने हाथों पे बांध करके पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उन लोगों को नमन करते हुए अपनी मांग को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गेट पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन जारी है इनका। और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती है तब तक हम अपनी यहाँ पे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है हम करते ही रहेंगे। बहरहाल आपको हमारा एक वीडियो पसंद, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।